बचपन, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद। मुफाद आम्मा का आलमबरदार, ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, दिल के दौरे की शिद्दत ने एमडी को भी जाम किया। खुद बै सदारत पेश कर रहे थे डॉक्टर सैयद अहमद फारानी साहब। आइए रस्म शुक्रिया अदा करने के लिए मैं मोहतरम इम्तियाज मुख्तार यूनुस साहब से इल्तिमास करता हूँ कि माइक पर तशरीफ लाएं, रस्म शुक्रिया अदा करें। उससे कबल मैं एक ऐलान ये करना चाहता हूँ कि बाहर स्टॉल लगा हुआ है, किताबें मौजूद हैं और किताबें 120 रुपया किताब पर कीमत दर्ज है, आपको 100 रुपये में आज के दिन दस्तियाब हो जाएगी और ये 100 रुपया मस्जिद की तामीर के लिए दिया जाने वाला है। आप तमाम ही हाजरीन से गुजारिश है कि आप ज़रूर पर ज़रूर एक की बजाय दो किताबें खरीदें और सदका जारिया में शामिल हो जाएं। यहाँ पर एक ऐलान और करना चाहूँगा कि आपने इस तकरीब में बैठकर जो मज़ा जो महसूस किया है, जो बेहतरीन तकारीर यहाँ पर आपने सुनी है, जो हिस्स उठाई है, इसे दोबारा देखने के लिए आप रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर जाकर इस तमाम पूरे प्रोग्राम को आप देख सकते हैं। ये चैनल पर एक दो रोज़ में जो है ये पूरा प्रोग्राम नशर किया जाएगा। इम्तियाज मुख्तार यूनुस सर से मैं इल्तिमास करता हूँ कि माइक पर तशरीफ लाएँ और रस्म शुक्रिया अदा करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जिसने हम सबको इस बात की तौफीक दी और इस जानिब रहनुमाई की कि अपने वालिद साहब का जो भी जितनी भी लिखे हुए मजामीन और जो भी नसरी और नज़मी और जो भी उनकी तहालीक थी उनको यकजा करने की तरफ अल्लाह ताला ने रहनुमाई फरमाई और इसकी तरफ जो है कदम बढ़ाने की तौफीक अता फरमाई। इसके बाद मैं मजीद शुक्रगुज़ार हूँ जनाब अतीक शाबान सर साहब का और हमारे भाई इमरान रफ़ाइल अहमद साहब का, इन्होंने कमोबेश 5 साल हमारे वालिद के इंतकाल के बाद रोज़ाना शब में स्कूल से आने के बाद में 1 घंटा 2 घंटा उनके जो मजामीन छोटे छोटे कागजात पे थे और मुख्तलिफ अखबारों की तराशे थे उनको यकजा करके जो रोज़ाना लिखा करते थे। तो सन 1998 से लेके कमोबेश 2005 तक के उन्होंने कमोबेश 9 जिल्दें लिखी, जो वालिद साहब की जो जमा हो चुकी हुई थी उनको 9 जिल्दों में लिखा। उसके अलावा बेशतर मजामीन और नज़में ऐसी हैं जो हमारे पास नहीं है, जो अखबारात में लिखी गई हैं। और एक ज़माना ऐसा था, मुझे याद है बचपन में शगुफा हैदराबाद में माहनामा, शायद माहनामा होता था, 3 माह में एक बार छपा करता था, तो उसमें वालिद साहब के तमाम मजामीन बड़ी बाकायदगी से शाया हुआ करते थे और वो शगुफा जो हमारे घर पे आया करता था हम भी पढ़ते थे और बहुत लुत्फानंदोज़ होते थे। तो अल्लाह ताला का शुक्र है और खुसूसी शुक्र मैं इमरानी तुफैल अहमद साहब जो हमारे अजीज़ भाई हैं और अतीक शाबान सर हैं और उनके बच्चे इजहार और वक़ार, इन्होंने काफ़ी मेहनत और तगो दी, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए उसमें और उसको यकजा किया और सब्जेक्ट मैटर इतना ज़्यादा था कि उसमें से मुंतखब करना कि पहली किताब है तो कौन सी किताब, कौन से ऐसे मजामीन या कौन सी ऐसी चीज़ें उस बुक में रखी जाएगी जो आज के दौर से ज़्यादा करीब हों और आज के दौर से ज़्यादा मुताबिकत रखती हूँ ताकि हालिया दौर के जो कारीन हैं उनको बातें जो आसानी से समझ में आता। तो उसी लिहाज से अतीक सर ने काफ़ी मेहनत की माशाल्लाह और फिर उसको छपाने के ताल्लुक से मैं तो मतलब अदबी लाइन के मतलब मेरा जो पूरा करियर है नॉन टीचिंग रहा है, टेक्निकल रहा है, तो अदब के ताल्लुक से काफ़ी दूर हूँ मैं। तो मैंने ही अतीक सर को फिर मैंने दरख्वास्त की कि आप इस काम का बेड़ा उठाइए और इसकी जानिब आप रहनुमाई कराइए
और इसमें एफर्ट डालिए, जो भी हमारी तरफ से आपको चाहिए मजामीन या पिछले और कोई भी रेफरेंसेस चाहिए तो सब इंशाल्लाह ताला हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करें और मुहैया करने की कोशिश करें। तो माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत की और हमारे अपने मालेगांव के जो पुराने राइटर्स हैं, मुसन्निफीन हैं मज़ाही अदब के, जनाब ज़हीर कुदसी साहब हैं और हमारे जनाब सिद्दीकी साहब हैं और जनाब मुख्तार यूसुफी साहब हैं, ये सारे हजरत हमारे वालिद साहब के बड़े करीबी दोस्त रहे हैं और मज़ाही अदब में इनका काफ़ी अच्छा नाम रहा है। तो उनसे भी गाइडेंस वगैरह ली और अदारा नसरी अदब इनके तमाम अराकीन ने भी इसमें काफ़ी जो है मेहनत की और इसमें काफ़ी जो है मावनत फरमाई है। इन सब के लिए मैं इन सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ और बेखसूस इस मजलिस को कामयाब करने के लिए, इस नशिस्त को कामयाब करने के लिए मैं जितने भी मौजूद सदर हैं और हज़रत मौलाना उमरान साहब हैं, डॉक्टर फारानी साहब हैं और जितने भी मस्जिदीन हाजरीन आए हुए हैं, बहुत से लोग यहाँ के, कुछ लोग जो है बैरून शहर से भी तशरीफ़ लाए हैं हमारी दरख्वास्त के मुताबिक, हमारे अजीज़ भाई हैं, अकारीब हैं, सभी लोगों ने तशरीफ़ लाए, इन सभी के मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सभी से जो है इस्तदा करता हूँ कि हमारे वालिद मरहूम साहब के हक में खूब दुआएँ फरमाएँ और अल्लाह ताला से उनकी मगफरत के लिए दुआ फरमाएँ और अल्लाह ताला से दुआ फरमाएँ कि अल्लाह ताला उन्हें अपने जवार रहमत की जगह अता फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर। यहाँ पर सदर साहब की इजाज़त से प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि हाल में से पहले ख़वातीन जो हैं वो अगर जाना चाहें तो पहले ख़वातीन निकल जाएं ताकि बहुत ही आसानी से मर्द हज़रात फिर किताबों को लेते हुए निकलेंगे। तो ख़वातीन से गुजारिश है कि आप लोग पहले तशरीफ़ ले जाएँ और मर्द हज़रात से गुजारिश है कि वो अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें। जिस वक्त ख़वातीन यहाँ से नीचे की जानिब उतर जाएं तब मर्द हज़रात जो हैं वो बाहर से किताबों को लेते हुए जाएं। बहुत ही कामयाब प्रोग्राम रहा, सदर साहब की इजाज़त से आज के इस प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। यकीनन रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर आप इस पूरे प्रोग्राम को देख सकेंगे और एक मरतबा मैं अपनी जानिब से भी अपना शुक्रिया अदा करता हूँ कामयाब निजामत का। शुक्रिया सबका, शुक्रिया रब का। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।